नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप 13 साल से ऊपर हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं आज जो आपको जो हॉरर स्टोरी यानी भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो तो ना तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझको भेजा है और ना ही जो है क्या कहते हैं ये कपोल कल्पित कहानी है। ये मेरे पूज्य पिताजी ने, जो कि दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने जो है क्या कहते हैं मुझे सुनाया था। वो स्वयं में रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, फिर स्टेशन सुपरिटेंडेंट होकर वो रिटायर्ड हुए लखनऊ से, और घूमने को उनको बहुत शौक था। रिटायरमेंट के बाद वो बहुत जगह वो घूमते रहते थे। किसी के द्वारा उनको पता चला कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है पुरुलिया। पुरुलिया का एक स्टेशन है, उसको कहते हैं बेनुकोदार। तो ये जो बेगुन कोदार, तो बंगला में तो उसको बेगुन कोदोर कहते हैं और उसका इंग्लिश में बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन है। ये इंडिया के हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में आता है। रेलवे का जो हिस्ट्री होती है उसमें ये हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ये सन 1960 की कहानी है। संथाल की महारानी ने अपने अथक प्रयास से वहाँ के जो आसपास के गांव के लोग आने जाने में असुविधा को देखते हुए, उन्होंने सरकार से प्रार्थना की थी, बहुत ही कोशिश करके एक रेलवे स्टेशन बनाया 1960। सुंदर सा जैसे छोटा स्टेशन होता है, उसमें एक बुकिंग क्लर्क का होता है, एक स्टेशन मास्टर का होता है, एक ऐसा की होती है, और समय पोर्टर भी रहते हैं, और उस समय पानी पिलाने वाला भी एक होता था, एक घंटी मतलब जो है ट्रेन को हरी झंडी लाल झंडी दिखा के पास करता था, अट्टो कर लेता था, इतने होते थे। तो ये जब रेलवे स्टेशन बना उसमें दो प्लेटफॉर्म थे और बहुत सारी गाड़ियां इधर से रांची होते हुए कलकत्ता को जाने वाली बहुत सी गाड़ियां जो यहां से गुजरती थी। 1960 में जब ये बना तो लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के लोगों को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता था साइकिल से होकर के शहर में ट्रेन पकड़ने, उनके खुद उनके दरवाजे पर ट्रेन पकड़ रुकने लगी और जाने लगे, बहुत खुश थे। अचानक क्या हुआ कि एक दिन जो है वहाँ पर किसी को जब ट्रेन गुजर रही थी बहुत तेज़ी से, तो देखा एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। बात आई गई होगी, उसने सोचा कि शायद हड़बड़ी में ट्रेन छूट गई होगी तो इसलिए दौड़ के वो पकड़ना चाहती थी। लेकिन उसके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा कि वो दौड़ते दौड़ते ट्रेन से आगे निकल गई। इतनी अब ट्रेनें अमूमन उस समय 60-70 की स्पीड से जो चलती होंगी, अब तो 100 से ऊपर चलती हैं, मालगाड़ियाँ तक चलती हैं 100 से ऊपर, अब वो उसकी भी स्पीड से ऊपर ट्रेन से आगे निकल जाती थी। तो उसने एक दिन देखा, दो दिन देखा, फिर उसको समझ में आया, अरे ये तो यार कोई चुड़ैल या भूतनी है। धीरे धीरे आप तो जानते हैं कि दावानल मतलब जंगल की आग की तरह ये कहानी संपूर्ण पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में फैल गई और लोगों ने मारे डर के वहाँ पर जो है आना कम कर दिया। अब उसमें जो है हींग का तड़का ये लगा कि रेलवे ने वहाँ जो स्टेशन मास्टर था वो अपनी सपत्नी और शायद बेटा बेटी होंगे, तो उनके साथ वो कुएं में पता नहीं क्यों कूद गए। दूसरे दिन कुएं से उनकी लाश मिली। बस लोगों को मसाला मिल गया,
लोगों ने कहा कि जो है ये जरूर 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 उस प्रेतनी का काम है। अब तो ये हो गया। उसके बाद एक और कर्मचारी की मृत्यु हो गई रेलवे स्टेशन पर ही। बस फिर क्या था, लोगों ने बिल्कुल जाना और ट्रेन पकड़नी बंद कर दिया। धीरे धीरे करके सरकार को पता चला कि जब यहाँ से कोई आमदनी नहीं है, ऊपर से सैलरी अलग से देनी पड़ती है लोगों को, तो उन्होंने फिर क्या किया कि उसको रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया। 1967 में बंद हो गया। अब बंद हो गया तो बंद हो गया, 42 साल तक लगातार बंद रहा। कोई भी वहाँ ना ट्रेन रुकती न कुछ, और कोई भी यात्री वहाँ से चढ़ता नहीं। भूतों का इतना भयंकर प्रकोप छा गया। जितनी मुँह उतनी बातें, जितनी तरह के मतलब कहानियाँ फैलती चली गई, पूरे वेस्ट बंगाल में फैल गई। कुछ लोग दिन के उजाले में उस भूतिया स्टेशन को देखने आने लगे, रात में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि रुके वहाँ पर। ये तो हो गया। ये सब देख के जो है सन 1997 में शायद, मैं अच्छे तरह से याद नहीं कि पिताजी ने क्या बताया था, 1997 में ये पिताजी नहीं किसी ने बताया मुझे कि 1997 में तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर हम लोग की प्यारी दीदी ममता बनर्जी, उन्होंने अथक प्रयास करके उस बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन को पुनः खुलवाया और स्ट्रिक्टली वहाँ पर जो है कहा कि ड्यूटी छोड़ के कोई ना भागे और अच्छे खासे जो विश्वसनीय कर्मचारी हैं उनकी की नियुक्ति कर दी। धीरे धीरे करके वो रेलवे फिर से अपने झर्रे पर आ गया, लेकिन भीड़ होती नहीं थी। लोग डर के मारे रात में तो खैर कोई आता ही नहीं था, दिन में जो ट्रेनें गुजरती थी रुकती थी उनमें बैठते थे। स्टेशन के जो कर्मचारी थे दहशत के मारे जो है क्या कहते हैं काम करते हैं और अभी भी काम करते हैं दहशत के मारे। अब तो रात के 10:30 के बाद 12:30 बजे शायद एक आखिरी ट्रेन जाती है, उसके बाद कर्मचारी भी गायब हो जाते हैं, कोई नहीं रहता। ये सब देखते हुए बातें सुनते हुए हमारे पूज्य पिताजी 1970 के दशक में वहाँ पर पहुँचे, बेगुन कोदोर रेलवे स्टेशन को देखने के लिए पहुँचे। तो पहले दिन तो उन्होंने पुलिया से सब नाश्ता वास्ता ले लिया था, पानी वानी, और पहले दिन रेलवे स्टेशन पर चुपचाप बैठ गया जाके। जाहिर है कि कृष्ण पक्ष की रात थी, अंधेरी रात, चारों तरफ वहाँ कोई भी दूर दूर तक जो है गांव बहुत दूर बसे थे, उस समय कोई आवाजाही नहीं, कोई किसी तरह सा स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल घुप अंधेरा। चुपचाप जाके बेंच पर बैठ गए और ट्रेनें आती रहीं जाती रहीं आती रहीं जाती रहीं अपनी स्पीड से, लेकिन उनको लगा कि जो है ट्रेनों की स्पीड कुछ जब स्टेशन पर आते कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। स्टेशन के जैसे वो निकलती है वो ज़्यादा भयानक गति से निकल जाती है कि रुकती कोई नहीं है। उन्होंने नोटिस किया इस बात को। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन भी उन्होंने देखा, दूसरे दिन भी गए ट्राई करने। अचानक उनको लगा कि ट्रेन तो बहुत ज़ोर से सीटी बजी, अब ट्रेन धड़धड़ाते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजरने लगी उनकी आंखों के सामने। और उन्होंने जो है क्या कहते हैं जैसे क्या कहते हैं ट्रेन गुजरी तो देखा एक औरत जिसका आधा धड़ कटा था और खून भल 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 खून से लथपथ थी और दोनों हाथों से रेंगते हुए प्लेटफॉर्म पर घिसट घिसट के चल रही है और कह रही है, बाबू बाबू, अरे आमाके हॉस्पिटल नहीं जाओ बाबू, हमें मरे गलम, हमें ट्रेन थे कटे दी कटे गए, हमें नहीं जाओ, हमें मरे जाओ बाबू, हमें मरे जाओ। अगर उसका कहना था कि
बाबू मेरे पिताजी को देखते हुए कह रहे थे कि मुझको बचा लो किसी तरीके से, मैं ट्रेन से कट गई हूँ और मैं मर जाऊँगी, मुझको रेल स्टेशन पहुँचा दो। अरे भैया मेरे पिताजी को काटो तो खून नहीं। तब भी उसकी हेल्प करने के लिए पहुँचे तो देखा वहाँ कोई भी नहीं था और खून से लथपथ खून पूरा प्लेटफॉर्म पे गिरा था, लेकिन जब वहाँ उन्होंने देखा टॉर्च की रोशनी से तो कोई खून नहीं। आश्चर्य की बात है कि वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे एक टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था, उसमें उन्होंने देखा था खून से लथपथ और दोनों हाथों से खिसटते हुए कोई रोते चीखते औरत जो आधी कटी थी रेंग के आ रही है, लेकिन कोई भी तो नहीं था। बस उनका धैर्य जवाब दे गया और वो जो है गांव की तरफ बढ़ गए। गांव में जब पहुंचे तो जो पहला घर दिखाई पड़ा कुछ अच्छा खासा था, लग रहा था किसी अच्छे मतलब पैसे वाले किसान का घर। तो खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया के तो बाबू ने कहा हैं आपने दरजाटा एकटुकुने अटक करबें, আমি বাই আমি যাচ্ছে কিছু আপনাকে জিজ্ঞেস করব। তো আন্দাজ বোঝা আপনি কে? তো পিতাজি নে কাহা আমি রিটায়ার্ড স্টেশন মাস্টার, আমি এখান বেগুন কোটাই রেলওয়ে স্টেশনে এসে এসেছিল দেখতে কি এখানে ভূত রয়েছে কি না, আমি দেখেছি কিচ্ছু, আমি কি রাত্রিতে বিশ্রাম করতে চাই কি আপনি আপনার এখানে আমাকে একটা মানে রাত্রি বিশ্রাম করার জন্য কিছু দেবেন? তো রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার তো সম্মানিত তো হতেই হ্যাঁ রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার লোক, তো উসনে দরওয়াজা খোল দিয়া আর কাহা বাবু ভিতরে এসে যাও, এসে যাও आप बसो। तो चारपाई पर बैठ गए और ठंडा पानी और जो कुछ भी उसके पास था मिठाई उठाई वो लेके आया और जो है क्या करते हैं मेरे पिताजी ने उसको ग्रहण किया। फिर पिताजी ने बताया क्या क्या देखा और किस लिए आए हैं। उसने कहा बाबू आपके प्राण बच गए हैं, अब आप जो है सीधे घर लौट जाइए, ज़्यादा उसको देखने की कोशिश ना करिए। जानते हैं ये रेलवे स्टेशन 1967 में जो बंद हुआ है और आज तक नहीं खुला है, तो आप जान सकते हैं कि जो है किस तरह का होगा कि सरकार को इसको बंद करना पड़ा। पिताजी ने कहा नहीं मैं एक दो बार और जाऊंगा, आप यदि सहयोग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बाबू मैं पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन जो भी करूंगा 6-7 बजे शाम के पहले करूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ स्टेशन पर नहीं रुक सकता। उस सहृदय परिवार के नाम पे वो बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी धर्मपत्नी थी, दो बेटे थे और शायद एक या दो बेटियां थी जो कि शर्म से सामने नहीं आ रही थी। फिर रात का खाना खा के उन्होंने रात का खाना खिलाया, कहा बाबू आराम करो, कल फिर देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं हम लोग आपके लिए। खैर पिताजी ने रात बिताया, दिन बिताया, दिन तो बातों बातों में निकल गया। शाम होने को आई, उन्होंने अपना सब पानी आने की बोतल बोतल सब कुछ ली, पानी का इंतजाम किया, तो कहा बाबू आप चलो अभी आधे घंटे में जो है रात का खाना लेके आपके पास मेरा बेटा आएगा, आप उसे ले लीजिएगा और खा लीजिएगा, आप जितनी देर चाहे रुकिए, यदि आपको बहुत ज़्यादा कुछ अनहोनी लगे तो आप तुरंत भाग के हमारे पास आ जाइएगा। पिताजी ने कहा ठीक। अब ये जो है 70 के दशक की बात है, उस समय जो है वहाँ पर नक्सलपंथियों का जोर नहीं था, इसलिए किसी को
पराए आदमी से कोई डर भी नहीं लगता था। मेरे पिताजी उसी बेंच पर चुपचाप बैठ गए। आधे घंटे बाद साइकिल से उनका लड़का आया और जो है गरम गरम चावल, साथ में प्लेट भी लाया था और था माछेर झोल, मतलब मछली का शोरबा, और कुछ सलाद लट्टे के प्याज व्याज कटा था, मिर्ची विर्ची थी, नींबू वीबू था। तो कहा, पैर छुए, कहा कि बाबू आप इसको खा लीजिएगा, बर्तन जो है सुबह जब आप आइएगा तो लेते आइएगा, और जो है आप परेशान ना होइए, कोई बात हो तो आप तुरंत घर चले आइएगा। ऐसा करते वो भैया जल्दी सड़क के फटाफट अपने साइकिल पर बैठा, ये गया वो गया, मतलब वहाँ से चला गया। वो उस रात में कुछ भी नहीं हुआ, ट्रेनें आती जाती रहीं, आती जाती रहीं, कुछ नहीं। पिताजी ने खाना वाना खाया और थोड़ी देर में उनको नींद आ गई, लंबी तान के सो गए। सुबह उठे, अपना बर्तन वर्तन उठाया जो वो लाया था लड़का, अपना जो भी पानी बोतल वोतल जो भी साथ में थी वो सब उठाया, और फिर जो जिन्होंने मेहमानदारी की थी उनके घर पहुंच गए, क्योंकि सो चुके थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद नहाए धोए, फिर अपने दिनचर्या जैसे उन लोग के थे उनके साथ ही बिताया। ये चौथी रात, चौथी रात में जो है क्या करते हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष चल ही रहा था, खूब अंधेरी रात थी, बादल घिरा है शाम के वक्त, और झमाझम पानी गिरने का बिल्कुल ही वो, और था शायद बैसाख का महीना जो कि इस समय साथ चल रहा है। बैसाख का कृष्ण पक्ष ऊपर से जो है क्या कहते हैं, बंगाल में जो है पानी इस समय बहुत ही तेज बरसता है, तो काली काली बिल्कुल भयानक घटाएं छिल थी। उन्होंने रोका, जिनके घर में टिके थे हमारे पिताजी, उन्होंने रोका कि बाबू आज ना जाओ, एक तो कृष्ण पक्ष की रात है, पानी बहुत तेज बरसने वाला है, आप कहाँ रुकोगे, कैसे रुकोगे, प्लेटफार्म में यदि पानी आ गया तो आप कहाँ जाओगे, सब तो वो बंद है, जितने भी कमरे हैं सब बंद है, रुकोगे कहाँ पर। पिताजी ने कहा कोई परेशानी नहीं, जिंदगी के इतने साल मैंने सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही बिताए हैं, रात की ड्यूटी दिन की ड्यूटी सब करते करते मुझको कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत क्या है सुनकर फिर पिताजी चले, क्या पानी बरस नहीं रहा था और ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो वो पैदल चलते चलते पहुँचे बैठ गए। अब जब बैठे तो जो है क्या करते हैं, अमूमन 7-7:30 बजे तक उनका लड़का खाना दे जा रहा था, लेकिन आज जो है 8:30-9 बज गया और खाने का दूर दूर तक कोई पता नहीं, लड़के का कोई पता नहीं। फिर झमाझम पानी बरसने लगा, बहुत तेज़ बिजली कड़कने लगी, उस कड़कती ही बिजली में जो भयानक रोशनी हुई, साय साय की हवा चल रही थी और पानी की बूंदें प्लेटफॉर्म के अंदर तक आने लगी, इतनी भयानक रूप से बरसा। उसमें देखा कि एक लड़की सफ़ेद साड़ी पहने हुए और जो है हाथ में एक टिफ़िन लेके चली आ रही। कहा, ऐ ना दादू, तुम्हें एटा हमें तुम्हार जन खावार इनेछी, तुम्हें एटा खे ना। तो पिताजी ने कहा कि बेटी क्या ज़रूरत थी इसकी, एक रात यदि नहीं खाते तो कुछ ना हो जाता, इतनी भयानक बरसात में तुम आई हो और मेरे लिए खाना लेके। कहते हाँ। फिर लड़की ने, जैसे मतलब बंगाल की लड़कियां होती हैं, उसने फटाफट प्लेट पे सब खाना लगाया, कटोरियों में जो है वही माछेर झोल और सूखी सब्जी, शायद बैगुन था ये दिया था, और सब सलाद वलाद वो सब दिया, और पानी भी लेके आई थी, क्या बाबू आप खाओ और जो है ना। तो उन्होंने कहा
मेरे पिताजी ने, जी सुनो मैं आज तुम इतनी दूर अभी पानी बरसता है, कहाँ जाओगी, मेरे साथ तुम भी थोड़ा सा खा लो। तो उसने कहा नहीं नहीं आप मुझको ना खिलाइए, आप खुद खाइए। क्या नहीं, तुमको मेरे हाथ से, तुम मेरी बेटी जैसी हो, अब तुमको मेरे हाथ से खाना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने एक कौर तोड़ा और मछली थोड़ा उसमें लगाया, झोल लगाया, और रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में रखने ही वाले थे कि जोर से ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़ी, बिल्कुल चीखती धड़धड़ाती ट्रेन। पिताजी भी चौंके, लड़की चौंकी, और खाना तो उसने खाया नहीं। ट्रेन जब प्लेटफार्म नंबर 1 से निकलने लगी तो लड़की उसके साथ साथ दौड़ने लगी, और पिताजी देखते रह गए। लड़की की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ट्रेन से आगे निकल गई, और फिर वो जो पिताजी देखते रह गए कि जो है इतने जोर से सेकंडों में मिनटों में लड़की ट्रेन के इंजन के आगे 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 दौड़ने लगी। और कुछ देर बाद जो है ट्रेन भी वहाँ से चली गई, सन्नाटा छा गया और लड़की गायब हो गई। पिताजी को काटो तो खून नहीं, कहा कि अरे सचमुच ये तो जो बेगुन गुदार के बारे में मशहूर था, जिसके कारण हम आए थे, भूतनी ने आज मुझको खाना दिया, ये भूतनी है कि उनके घर की लड़की है, चलो चल के मालूम करते हैं। पिताजी ने जल्दी जल्दी खाना ना खा के बर्तन समेटा, और जो है उस समय रात के करीब बज रहे थे 9:30, वो सब को करके उस फीकते हुए, क्योंकि रात में रुकते कहाँ, चारों तरफ पानी भर गया था प्लेटफॉर्म पे, तो अपने जिनके घर में मेहमान बन के टिके थे उनके घर में पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया तो बूढ़ा आदमी आया, आइए बाबू आइए। फिर हाथ जोड़ के विनती भरे उसमें कहने लगा, बाबू आज मैंने आपको खाना नहीं पहुँचाया, मेरा बेटा अचानक जब लौटा तो उसको बहुत तेज बुखार था, घर में कोई जाने वाला नहीं था, पानी इतनी तेज बरस रहा था, मैं खाना भिजवाता तो कैसे। पिताजी ने कहा खाना, अरे खाना तो तुम्हारी लड़की लेके आई थी, उसने मुझको खाना खिलाया, परोस दिया, और मैंने उसको खाना खिलाना चाहा, लेकिन वो पता नहीं क्यों ज़ोर से भागी और भागती चली गई ट्रेन के साथ साथ। तो वो कहने, मैंने तो खाना भिजवाया नहीं, मेरा लड़का तो देखिए कितनी ज़ोर से बुखार में तप रहा है, और मेरी घर की लड़की जो है क्या कहते हैं इस समय तो नहीं है, वो तो नानी के घर में गई हुई है, फिर आपको ही खाना क्यों दे गया। पिताजी को काटो तो खून नहीं, और जो पिताजी की दास्तान सुन रहा था भूत की, उसने कहा बाबू आज आपने देख ही लिया ना भूत को, कि किस तरह से वो ट्रेन के आगे आगे दौड़ के निकल जाती है, ये महज अफवाह नहीं है, ये सचमुच है, ये रोज़ हो रहा है। और इसी कारण सरकार ने 1967 से इसे बंद कर दिया, अब तक ये बंद चला रहा है। बाबू अब मेरा निवेदन है आप आज अब उस स्टेशन का रुख ना करिएगा, क्योंकि प्रेतनी ने आपको देख लिया, कुछ आपका अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए आप जो है सुबह होते ही थोड़ी दूर पर आपको पहुंचा देंगे, बस में जाके आप पास में जो पुल लिया है वहाँ से आप ट्रेन वेन पकड़ लीजिएगा और अपने जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइएगा, लेकिन अब बेगुन कोद्वार रेलवे स्टेशन पर ना जाइएगा, ये भूतिया है भूतिया है भूतिया है। और पिताजी एक असमंजस की स्थिति में रात में सो गए, सुबह उठे और नहा धो के मतलब हैवी नाश्ता किया, फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं उनको छोड़ दिया बस स्टेशन पर, और बस द्वारा वो जो है फिर पुरुलिया की तरफ निकल गए, और वहाँ से फिर लखनऊ के लिए उन्होंने ट्रेन या जो भी पकड़ा हो पकड़ के घर के लिए चल पड़े। ये है बेनु कुदार की ये रहस्यमय कहानी, जो कि स्वयं मेरे पिताजी का अनुभव है, जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने मुझे बताई थी, वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। कहानी कैसी लगी लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर
मेरे बहुत ही जो है प्रशंसनीय श्री 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 राज वाकर साहब, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, और न्यूज 18 के सुहेल साहब, जो कि क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब आधी हकीकत आधा फसाना ये दिखाते हैं यूट्यूब पे। तो मैं उनका हर कार्यक्रम देखता हूँ। राज सर का तो बहुत ही मैं प्रशंसक हूँ, उसको देख के मैंने राज साहब को लिखा भी था शायद एक बार पूरी कहानी, लेकिन शायद उन्होंने गौर नहीं किया, मेरे कमेंट्स को पढ़ा नहीं, कमेंट्स में पूरी कहानी लिखी थी। और इसी के साथ मैं उन दोनों को भी धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर सुहेल साहब को जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। उस रेलवे स्टेशन के पीछे एक भूतिया कुआं है जहाँ पर उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनको प्रोग्राम बीच में रोक के वापस आ जाना पड़ा। भले ही उनके लाखों रुपए खर्च हो गए प्रोग्राम बनाने में, लेकिन स्टेशन पर कुछ भी नहीं मिला। राज सर को सिर्फ जो है वहीं पर ही भूतिया कुआं, जो रेलवे स्टेशन के पीछे है, जहाँ सुनते हैं रेलवे के स्टेशन मास्टर उनकी पत्नी ने कूद कर जान दे दी थी, वहीं से उनको। तो मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये मेरे पिताजी की कहानी, मेरी जवानी। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।